अरे बात सुनो रे, एमपी बनाया ना, मैं तो फिर भी तेरा काम आया, मेरा पास तीन बनाए को टोले पाया जो बता दो। लेकिन मैं ये कह सकू मेरे पास कुछ भी नहीं मिला, मैं किमें तो लिया करता, फिर लिया था तो परचड़ी मन ने दो, क्यों रोड़ा कर रहे हो काम का? भाई मेरा कैश बताओ, बताओ ये बीजेपी वाला कितने आया हो, उससे पहले आया हो, उससे पहले आया हो। दोस्तों फिलहाल की तस्वीर आप बांस गांव की देख पा रहे हैं। बांस गांव के अंदर जो है जयप्रकाश जेपी पहुंच चुके हैं जस्सी पेटवाड़ के साथ में। लाइव तस्वीरें आप मेरे साथ देख सकते हैं, जस्सी पेटवाड़ भी उनके साथ में जो है आज नारनौंद हलके के सभी कार्यक्रम करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से जयप्रकाश जेपी यहाँ पहुंच चुके हैं। लोगों से मेरा निवेदन है कि पहले फूल मालाओं से उनका सम्मान करें और उसके बाद पगड़ी पहनाई जाएगी। हमारे गांव में राष्ट्रीय मोर खाप के प्रधान उप प्रधान रणधीर हमारे बीच में पहुंचे, उनका गांव में पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत। हमारे पूर्व विधायक राम भजन शर्मा जी भी हमारे बीच में पहुंचे, उनका बहुत बहुत पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत। जिला पार्षद शुभकर सिंह भी हमारे बीच में पहुंचे, उनका भी गांव में पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर कुलवंत मोर भी हमारे बीच में आ चुके हैं। पगड़ी पहनाएंगे सबसे पहले जिंदाबाद। फोटो जी, एक फोटो ले लो। बलबीर शर्मा जी हो गया जी, आगे क्या? अच्छा बाबू जी आओ सर, पता फिर ये बोला आ जाओ। अच्छा बलवान अक्षर पची बारह हमारे लोधा गांव है ना, वो है मैं उस साइड। सूरज बान सरोप चंद्र मौर जी, जय भीम सरोप श्री चंद्र मौर जी, रमेश सरोप श्री देवी राम मौर जी, सरपंच जी रमन रमन चेयरमैन जी, बलवान अक्षर पची जी तो ठीक हो। हां बलवान चंद्र मौर जी और राजेश मौर जो आमिर, ये राजेश सर बलवान सर पची जी, चारों पंचायत ये सभी हमारे गांव के मौजूद आदमी बुजुर्ग आदमी सभी सभी यहाँ है। तो मैं तो एक ही भरोसा और विश्वास दिलाता हूँ, हमारे गांव के मौजूद आदमी हैं, इनके भरोसे भरोसा और विश्वास दिलाता हूँ कि चारों पंचायत आपको यहाँ बहुत भारी मतों से विजयी बनाकर भेजेगी। नारनौंद हलके में बांस गांव की जो गांव की जीत मिलेगा, तो बांस गांव की सबसे बड़ी जीत मिलेगी प्रधान जी, बांस गांव की चारों पंचायतों की। और मैं दोबारा फिर बांस गांव पहुंचने पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, क्योंकि समय का मैं गांव बहुत है। मैं प्रधान जी को माइक देता हूं। प्रधान जी बांस गांव के सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, घरों में जहां तक भी मेरी आवाज सुनाई दे पा रही है, माताओं बहनों और प्यारे बच्चों, बुजुर्ग साथियों, एक बहुत बड़े अंतर के बाद मैं आपके गांव में आया, वो भी इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में। और जिस तरीके का प्यार प्रेम और स्नेह मुझे मिला, मुझे आज यह 2004 की याद आई क्या ही। ये मेरी नींद खुल गई ना, ठीक हो गया काम।
तो 2004 की नींद आई तो मैं आपको फिर ये तारी फोटो दिखाऊंगे सारे। अरे पछले की भी दिखाई करो इसलिए रोक रहे भाई, तो उनकी भी दिखेगी फिर क्यों मार कर लग लगन क्यों रख सबके चक्कर मोबाइल। तो बुजुर्गो साथियों, इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी में हम चुनाव लड़ रहे, पहली बार है देश की आजादी के बाद के किसी व्यक्ति का चुनाव पार्टी नहीं जनता लड़ रही है। जयप्रकाश का चुनाव जनता लड़ रही है और एक वो है छापेमार मंत्री रणजीत, उसका चुनाव भाजपा लड़ रही है। यही एक सोच है, सोच का फर्क है। तो इस तरह का गठबंधन की बात जब मैं करूं कि भाजपा के लोग कहते हैं कि आप प्रधानमंत्री जी भी कह गए अब तो संविधान नहीं बदलूंगा, पहले क्यों बदलता था? ये जो इंडिया गठबंधन बना ये केवल संविधान की सुरक्षा के लिए ये संविधान बदलना चाहते थे, ये प्रजातंत्र प्रणाली को ध्वस्त करना चाहते थे। आज इसलिए पूरे देश में यावा यहाँ या नहीं है, पूरे देश के लोगों ने एक निर्णय लिया कि हमने संविधान और संवैधानिक संस्थाओं को बचाना है और दुनिया के पूंजीपति के पैसे से चलने वाली केंद्र की सरकार को हटाना है। तो इसलिए आप लोगों ने हमारा साथ दिया। मैं धन्यवाद करता हूं उन साथियों का जिन्होंने आज जेजेपी लोकदल या बीजेपी छोड़ करके इंडिया गठबंधन और जयप्रकाश का साथ देने का निर्णय लिया, मैं उनका स्वागत करता हूं। देखो बांस गांव के लोगों, अभी बच्चा पैदा हुआ है वो भी घर का सदस्य हो जाता है, एक बुजुर्ग होता है वो भी घर का सदस्य हो जाता है। आज जो साथी हमारे साथ आए हैं जिन्होंने हमें सहयोग आशीर्वाद दिया है, मैं उन साथियों को विश्वास दिलाता हूं कि जितना सीनियर जयप्रकाश है उतने ही वो इस पार्टी में आज से ही इसी घड़ी से होंगे और इस लड़ाई में हमारा साथ देने का फैसला किया है। मैं इनका तहे दिल से स्वागत करता हूं, क्योंकि पार्लियामेंट है, थोड़ा थोड़ा टाइम मिले है और बड़ा गांव बास इस राजनीति में एक बड़ी बीमारी, ना तो नहीं वो बास ने 2 घंटे दे दिया और कौन से दूसरे ने 20 मिनट दे दिया, बटे जब नुगों को लाचा फिर उन्हें तो सैर लिए। तो इसलिए माकड़ भाई सुन लो मेरी बात, 5 बात बता के जाऊंगा। मन मैंने देख लिया क्योंकि बास की जनता ने मुझे बहुत ऊंचे भी उठाया। हाँ ये मैं यही कहने लगा कि बास की जनता ने मुझे बहुत ऊंचे भी उठाया और आज सारा गांव सारी पट्टियां दिखाई दे रही। देखिए गुरु गोविंद सिंह ने कहा था 1.25 लाख तक लड़ाऊं तो गुरु गोविंद सिंह कहलाऊं, आदमी तो एक भी बहुत ताकतवर है मन से लगे और ये तो हजारों की तादाद में आप लोग लगे हैं तो कोई मुकाबला नहीं। लेकिन मैं 4 बात कहूंगा। इंडिया गठबंधन हमारी नेता श्रीमती सोनिया गांधी ने सबसे पहले कहा कि जो मातृशक्ति खड़ी ये खड़ी, हर एक बूढ़ी औरत को घर में 1 लाख रुपया दिल्ली में सरकार बनते ही सीधे इनके खाते में आएंगे, अकाउंट में आएंगे। ये रोज कद आईडी का रोड़ा कद बीडी का पेंशन वाला करिए नहीं अकाउंट। अग्निवीर योजना बास गांव के बहुत जनता फौज में है, बहुत भर्ती होती थी, उसको हम बंद करेंगे, पूरी फौज चालू करेंगे। जीतन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री हो जाएंगे उसी दिन से 6,000 रुपये बूढ़ा बूढ़ी की बुढ़ापा पेंशन शुरू हो जाएगी। वो ये नहीं 30 मार्च ने 200 बढ़ जाएंगे, 5 मार्च ने 200 बढ़ जाएंगे। वह एक बुढ़िया थी बेचारी, ये बीजेपी वाले कहकर दे बीजेपी वाले मैं थे इंद्रो, बेचारी मरे नहीं वह बुढ़िया कौन से नहीं हुए। लेकिन बूढ़ा साहब को मैं बेच दे करूंगा 300 यूनिट बिजली बेच दे फ्री, 100 गज के प्लाट की स्कीम, 100 गज के प्लाट एससी को बीसी को और भूमिहीन को 3 कैटेगरी उसी दिन शुरू। सबसे बड़ा एक जो हमारा काम है, आप बड़े परेशान हो, ईडी फैमिली आईडी पोर्टल ये हम बंद करेंगे, वही व्यवस्था लागू कर रहे हैं जो हमारी यहाँ चलती थी। मनरेगा पानी की तो पहले ना कोई, हम तो आन का जुगाड़ करने लग रहे हूँ, पहला मेरे तोड़ ले तो उड़ा गए, मैं तो आन की तैयारी कर रहा हूँ। फैमिली आईडी तो ये भाई बात यह एक बड़ी छोटे ये पोर्टल सब बंद करेंगे,
ई टेंडरिंग भी बंद, सरपंच की भी जान बचाओगे? नहीं, ई टेंडरिंग देखो मैं बताऊं, मजाक की बात अलग है, ई टेंडरिंग का देहात में कोई फायदा नहीं है। मान लो सरपंच ने जरूरत है गली बनाने की, अगला कह रहा ब्याह है, कुछ कमी है, खुशी है, भाई तू गली बना दे जल्दी में, अगला कह ई टेंडरिंग होगी, इतना अगले की जरूरत खत्म हो जाए। ये ई टेंडरिंग बंद करेंगे, जो पहले सिस्टम था मार्केट अपने टाइम में न्यू में जैसे बास मॉडर्न बना था, इसी तरीके का जुगाड़ और कैट के लेवेंगे। बड़ा काम है, यो लाख करोड़ 10 लाख में ठीक होने वाला काम नहीं है, इन्हें तो चाहिए बहुत मोटा रुपया, तो ही वो हमें लागू करेंगे। आखिरी में नरेगा की लेबर हम करेंगे 600 रुपये महीना, अब मिलते हैं जी 357, इनको 600 करेंगे, मेट को पक्का करेंगे। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे, नौकरी पक्की देंगे, कौशल रोजगार बंद करेंगे, और कौशल रोजगार में जो बच्चे लगे हैं उनको नहीं हटाएंगे। MSP लागू करेंगे, और जब मैं MSP की चर्चा करता हूँ BJP वाले का थोड़ा थोड़ा दर्द होता है, वर्कर के नहीं लीडर के, क्यों लीडर को पीड़ा है। C2+50% प्रॉफिट जो रिकमेंडेशन थी स्वामी नाथनाव की, तो वो हम लागू करेंगे। जब हम ये बात करते हैं तो हमारे कुछ राजनीतिक विरोधी प्रचार करते हैं, बोलेंगे तारे नाच जो है ना राशन मिले फ्री में, फ्री राशन बंद करेंगे। मैं मेरे दलित और पिछड़ा वर्ग के साथियों को कहना चाहता हूँ, हमारा गले तो उल्टा काम कर दिया था हमने, उनके तो बेर भी तो हमने अंगूर समझ लिए, हमारे बेर भी अंगूर कौन समझे। यू कानून तो इंदिरा जी ने बनाया था, अर्थ हम बकाए इनके लायक के, इंदिरा जी के बनाए हुए कानून को इस देश में ना इंदिरा जी हैं जिन्होंने इस देश को एक रखने के लिए अपने प्राण दिए थे, और ना देश के अटल बिहारी वाजपेयी है। आप राज आ गया निकम्मे लोगों का, जब 1971 की लड़ाई जीती है वाजपेयी साहब ने कहा था कि मैं आपको दुर्गा प्रधानमंत्री कहूँ या दुर्गा कहूँ, आपने इस देश को बहुत ताकत दी है दुनिया में। तो उस हमारी नेता का बनाया हुआ कानून बटे को बंद कर देंगे, उल्टा का फायदा एक बहुत हमने योग्य 4 दिन की लड़ाई में यह देवे तो हमने बाजरी बाजरा भी नहीं, वह भी बाजरी डांगर भी निखान दे, और हम देंगे 10 किलो गेहूं। ये इस तरह का काम हम करांगे। लेकिन था एक बात है, हमारी भी सुन लो, और भाई कह रहा था पानी की कमी, एक बार पानी लियाने वाला बना लो, इवलो तो मैं भी MLA तो बन गया, उसमें जुगाड़ सही नहीं बनता, सही जुगाड़ बना MP में। अरे बात सुनो रे, MP बनाया ना, मैं तो फिर भी तारा काम आया, मेरा पास 3 बनाए को टोला पाया, जो बता दो तीनों में से कोस आया हो। अरे को सुनो, मॉडर्न विलेज जितने बनाया JP MP था, रोजगार गांव में दिया, और भाई 100% दूध का दो यार तुम्हें को सूंगो नहीं। फिर MP ने 643 गांव है, अगर MP पे MLA वाला चाहो कठिन काम हो जाता है। लेकिन मैं ये कह सकूं मेरे पास से कुछ भी नहीं मिला, मैं किमे तो लिया करता, फिर लिया था तो परचड़ी मन ने दो क्यों रोड़ा कर रहे हो काम का भाई मेरा कह बताओ उनके बताओ BJP वाला कितने आया हो, उससे पहले आया हो, उससे पहले आया हो, फिर यार तो हाँ मेरे लिए गाला कैसे। अब मैं एक बात कहूँ, चारों गांव की पंचायत की, हमारे ठाकर समाज की, अब एक बात सुनो, फर्क कितना है ठाकर समुदाय, क्षत्रिय समुदाय, एक इज्जतदार समुदाय। कांग्रेस के राज में जिन गंदे शब्दों का इस्तेमाल भाजपा के नेताओं ने किया है, पराला पुरुला पता नहीं क्या नाम है उसका, रूपाला, अच्छी बात कही रणजीत सिंह ने, ब्राह्मण पंडित समाज के सब बारे में अच्छी बात कही मनोहर लाल ने, चौधरी बंसीलाल, चौधरी देवीलाल, चौधरी भजनलाल, उनके बारे में जो स्वर्ग में है को अच्छी बात कही। मैं तो हरे मारे अंडा था, हमने इतना घमंड बैठ दिया, बोला ना खाता ना भाई, जो दिल्ली वाला कहो सही, मन मर्जी की बोलते हैं, इब पेंडा छुटवा लो, इबके ठीक ठाक करने की नीयत मेरी भी है और हुड्डा साहब की तो है ही, यही बात कहने आए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये नहीं भाई भाई। अरे।